तला हुआ पैकेट वाला या रखा हुआ खाना खाने के कारण हमारे पेट में कई तरह की प्रॉब्लम होने लगती हैं। इसी तरह की पेट की प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम निज़ोनाइड टैबलेट के बारे में बात करेंगे। निज़ोनाइड टैबलेट क्या है, इसके कंटेंट, यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। निज़ोनाइड एक ऐसी टैबलेट है जो पैरासाइट एवं दस्त की प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी ख़त्म करती है। यदि पैरासाइट या दस्त की प्रॉब्लम को जल्दी ठीक नहीं किया गया तो ये एक पेट के लिए बहुत ही गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है। इसलिए पेट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि आपको पेट से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो सके। ये मेरे हाथ में निज़ोनाइड टैबलेट का बॉक्स है। ये निज़ोनाइड टैबलेट का ब्रांड दिया गया है। ये बताया गया है इसमें क्या मॉलिक्यूल्स हैं, ये बताया गया है कि एक स्ट्रिप में कितनी टैबलेट आती हैं। चलिए इसकी कंपनी की बात करें तो ये इंडस्विफ्ट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और इसकी मार्केटिंग करती है ल्यूपिन लिमिटेड। चलिए इसके कंटेंट के बारे में और बात कर लेते हैं। इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें होता है नेटाजोक्सानाइड 500 mg होता है। चलिए इसकी एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग और इसकी MRP की बात करें तो इसकी की बात कर लेते हैं तो 5/2018 में ये बनी हुई है और इसकी एक्सपायरी की बात करें तो ये 4/2021 है और इसकी MRP की बात करें तो 74 की ये 6 टैबलेट आती हैं। चलिए इसकी पैकिंग की बात करें तो ये कार्टून पैकिंग में आता है। चलिए इसके अंदर वो देख लेते हैं इसकी पैकिंग कैसी है। ये 6 टैबलेट की पैकिंग में आती है, इसकी टैबलेट ब्लिस्टर पैकिंग में है और इसकी पैकिंग काफी अच्छी है। चलिए सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। निज़ोनाइड का यूज़ आप किसी भी तरह के आपको दस्त की प्रॉब्लम हो रही है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपके पेट में मरोड़ की प्रॉब्लम हो रही है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको बर्न्स की प्रॉब्लम हो, आपके पेट में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसे पैरासाइड भी बोलते हैं, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो, उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। चलिए इसके डोजेस के बारे में और बात कर लेते हैं। इस टैबलेट का यूज़ आप सुबह शाम एक एक खाना खाने के बाद सादा पानी से इसका यूज़ करना है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में और बात कर लेते हैं। आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, आपको पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चक्कर घबराहट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरह के नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको बर्न से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या दस्त से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। Thank you.